स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण था? ए अवैध आप्रवासन, बी नशीली दवाओं की तस्करी, सी आतंकवाद, डी जासूसी। आंसर डी जासूसी। एक्सप्लेनेशन। एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि में कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है, जिन्हें जासूसी के आरोप में खाड़ी देश में हिरासत में लिया गया था। इन दिग्गजों को अगस्त 2022 से हिरासत में रखा गया था। अगला प्रश्न। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? ए राजनाथ सिंह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी एस जयशंकर, डी नरेंद्र मोदी। आंसर डी नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी। अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी, डी 14 फरवरी। आंसर बी 12 फरवरी। एक्सप्लेनेशन। भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 18 फरवरी तक चलने वाले उत्पादकता सप्ताह की भी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी, डी 14 फरवरी। आंसर सी 13 फरवरी। एक्सप्लेनेशन। भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? ए फीफा, बी रिलायंस फाउंडेशन, सी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए फीफा। एक्सप्लेनेशन। देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के साथ समझौता किया। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 17 जिलों के 1,260 स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया था।